माय चैनल. सो रात के 12 बजे एग्जैक्टली हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आज अभी तो आज शुरू हो गया है, अनंत चतुर्दशी है. तो आज हम लोग प्रीतेश भैया के घर के गणपति की रात में जो 12 बजे आरती करते हैं ना, मिडनाइट आरती, ये हर दिन नहीं करते हम लोग, आज ही कर रहे हैं. सो सोचा कि आज का दिन जो है मिडनाइट आरती करते हैं. और अभी बापा के लिए हमने यानी प्रीतेश भैया ने बॉक्स 8 से क्या होगा गुलाब जामुन मंगवाए, क्योंकि आज प्रीतेश भैया गए थे कहीं बाहर और हर दिन घर का ही मीठा चढ़ रहा था, और आज भगवान को हम लोग ने बाहर से ऑर्डर करके डेजर्ट दे रहे हैं, है ना प्रीतेश भैया. सो आ जाइए प्रीतेश भैया. और प्रीतेश भैया का भी एक चैनल है जिसमें वो इनकी जो इनका जो कल्चर है कोली, आप कोली तो इन लोग कोली है, तो जैसे कि मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ मुझे कोली समाज के बारे में कुछ पता नहीं था. इनके साथ में अभी मैं 4 साल से इस एरिया में रह रही हूँ, तो मुझे इनके कल्चर्स बहुत अच्छे लगे. तो मैंने भैया को ऐसे कंसेप्ट दिया था कि आप अपना कल्चर जो है ये एक्सप्लोर करो सबके साथ में. तो भैया का भी चैनल है, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इनके वीडियोस भी देख सकते हैं. और कुछ कहना चाहूँगा. अभी फिलहाल हम लोगों ने पापा के आशीर्वाद से अपना चैनल चालू किया है, अच्छी तरह वो ग्रोथ करेगा. और आप चैनल पे आइए, चैनल जरूर देखिए, विजिट जरूर करना. अपने पापा का भी दर्शन उसमें हम लोगों ने दिया है, आप याद से देख लीजिएगा आप मेरा चैनल. और कल बापा का अपना विसर्जन है, तो मिडनाइट तक अपन बापा के साथ ही रहेंगे. आज ऐसे तो हम लोग हर दिन रात में नहीं आ रहे थे, सिर्फ इवनिंग और मॉर्निंग की आरती हम लोग अटेंड करते थे. बट आज हम लोग ने सोचा कि रात में थोड़ा टाइम हम बापा के साथ में बिताएंगे. सो हम लोग इधर आए हैं, और काफी बुरा लगता है जितने दिन रहते ना, तो हाँ कल है कल चले जाएंगे ऐसी वाली बात होती है. बट जब अनंत चतुर्दशी आती है तो जो दिल में थोड़ा सा दुख महसूस होता है, भारीपन सा लगता है, तो आज हम लोग ने बिल्कुल डिसाइड किया कि आज हम लोग इनके घर पे थोड़ा टाइम पापा के साथ में रात में बिताएंगे, क्योंकि कल वो अपने घर चले जाएंगे वापस. अभी तो ये कुछ 11 दिन के लिए मेहमान बन के आए थे ना, तो खूब मेहमान नवाजी की गई है. आज तो डेजर्ट वगैरह का भी कार्यक्रम हुआ है. सो अंकल भी उठ चुके हैं आरती के लिए, है ना. गणपति बापा. सो अभी करते हैं हम 12 की आरती, और हम आपको दिखाते हैं. आलते त्रिद्वारा लावण्य सुंदर मस्त की लारा, एक दुनिया जल निर्मल वक्र सुंदर वक्र next day upas karo mere upas karo jo adan don pada pani sadun de ane nakruta pujane na sri ganpati devata priyantam jo adore pani ke. Hey guys, very good morning. और आज है next day morning, और हमने सुबह 4 बजे तक के गणपति बापा के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और आज है गणपति बापा का विसर्जन. यस, विसर्जन, विदाई समारोह. सो अभी आपने जैसे देखा कि पंडित जी आ चुके थे, और वो जो थोड़ी कौन सी पूजा, उत्तर पूजा जो है ये हो चुकी है, और अब सबको खाना खिलाया जाएगा. मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी, रेडीमेड गिट्स की जो खीर होती है वो बना के अभी मैंने भेज दी, क्योंकि बहुत फास्ट में था. सो सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने अभी सोचा कि स्टार्ट कर लेते हैं. और आज का दिन फटाफट निकल जाता है, क्योंकि यही सब चलते रहेगा, और हम लोग सब एक ही फ्लोर पे सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके घर पे.
सो इस टाइम पे ज्यादा लोगों को भैया ने बुलाया नहीं, नहीं तो इनके घर पे इतने सारे मेहमान होते हैं, हाँ, और ढोल बाजे बहुत बहुत, आपने तो देखा ही होगा पिछले साल का वीडियो कि कितना हम लोग मस्ती करते हैं, बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रिलेटिव्स को उन्होंने नहीं बुलाया, बस हम लोग ही है फ्लोर वाले, और इतने में ही हम लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ COVID-19। सो सबको अपनी अपनी केयर लेना ज़रूरी है, श्रद्धा एक जगह पे है और बीमारी एक जगह पे है, तो इस साल हम सब ने सोचा था कि हम फ्लोर वाले एक साथ ही मिलके उनके जो गणेश उत्सव है ये सेलिब्रेट करेंगे, और ऐसा ही हुआ पूरे 11 दिन, और आज भी किसी को उन्होंने खाने पे इनविटेशन नहीं दिया है। सो अभी चलेंगे हम लोग थोड़े टाइम बाद भैया के घर, प्रीतेश भैया के घर, और फिर शाम को करीबन 5-6 बजे मूर्ति विसर्जन के लिए जो हमारे एरिया में तालाब है नगर पालिका का, वहाँ पे जाके हम लोग गणपति बापा का विसर्जन कर देंगे, पापा को हम उनके घर भेज देंगे, और फिर अगले साल फिर से गणपति बापा एक साल बाद आ ही जाएंगे। और आज मैंने इनविटेशन दे के ही वापस भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, इधर बैठा है रेवन, और ये ना इसको नीचे बैठने की आदत है। हेलो बोल दो। हाय। हेलो दोस्तों। हाय दोस्तों। और आज मैंने कुर्ती वियर की है, मैं आपको दिखा दूं, और इस कुर्ती का जो रिव्यू वीडियो है ये मैंने शेयर किया है आपके साथ में, और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए आज मैंने सोचा कि यही जो कुर्ती है ये वियर करना चाहिए। और मैंने जो लिपस्टिक वियर की है ये है लॉरियल पेरिस का, और आपके लिए बहुत ही अच्छा वाला वीडियो आने वाला है लॉरियल का, सो मेरे चैनल के साथ में बने। हे गाइस, सो अभी खाना वगैरह खा के इतनी अच्छी नींद आई थी, थोड़ा देर सो गई, अभी 4:30 बज रहे हैं, और अभी आरती एक दोपहर की जो थी वो स्किप हो गई थी, तो अभी 4:30 की आरती करेंगे, और जब विसर्जन करेंगे पापा का तब एक आरती होगी। तो अभी प्रीतेश भैया को मेरा ट्राईपॉड चाहिए, तो अभी वो लेके जाती हूँ। आरती हो चुकी है खत्म, और मुझे मिला है ये एक पार्सल जो आया है अमेज़न से, सो इसकी ओपनिंग नेक्स्ट वीडियो में होगी, और ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वंस अगेन, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। रेवन का चंद्रा है काम, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अब हम करेंगे गणपति विसर्जन का वीडियो पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो के साथ में हमेशा नोटिफाई रहे, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।